और चित्रकूट में प्रचार के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि राज्यपाल के बयान से मैं हतप्रभ हूं। उन्होंने कहा कि हम सभी की चिंता सूपे बेड़ा को लेकर चिंतित है। भूपेश ने कहा कि राज्यपाल वहां जाना चाहती हैं तो उनका स्वागत है। 2 अक्टूबर को विधानसभा सत्र के दौरान जैसे ही हमें जानकारी मिली कि वहां एक और मौत हुई है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री वहां गए हैं। और सभी के भाग्य फैसला मतपेटी में ईवीएम में बंद हो जाएगा। अभी 24 तारीख रिजल्ट आना है। मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में यहाँ की जनता, यहाँ के आदिवासी कांग्रेस के साथ है और हमको चित्रकूट में भारी सफलता मिलेगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रुपेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, जिस तरह से भूपेश बघेल ने ये बयान दिया है, क्या कुछ उसके मायने निकाले जाएं और क्या क्या इसमें और कुछ कहा गया है उन्होंने, हम आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, सुपर बेड़ा को लेकर के सियासत एक बार फिर गर्मा गई है और इसकी वजह कहीं ना कहीं खुद कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब विपक्ष में रही थी तो जोर शोर से सुपर बेड़ा का मसला उठाया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद भी सुपर बेड़ा में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 70 से ज्यादा लोगों की वहां पे मौत हो गई है। कहा यह जा रहा है कि पानी में गड़बड़ी है जिसकी वजह से सभी लोग किडनी रोग से ग्रसित होकर के मौत होती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है कि सुपर बेड़ा के लोग जब मौत होती है तो मौत के कारणों की जांच के लिए पोस्टमार्टम नहीं करवाते, इसलिए डॉक्टर्स को कामयाबी नहीं मिल पा रही है। लेकिन अभी एक मौत के बाद से फिर से सियासत गर्मा गई है और कहीं ना कहीं कांग्रेस चूंकि पहले विपक्ष में रहते हुए इस मसले को जोर शोर से उठाती रही है तो वो बैकफुट पर है, और विपक्ष ने जब इस पर घेरा तो जाहिर तौर पर एक बयान जो राज्यपाल है अनुसुईया उनके उनकी तरफ से आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं खुद जाऊंगी, अगर सरकार हेलीकॉप्टर प्रोवाइड नहीं कराती है तो मैं कार से जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी जरूर। इस पर भूपेश बघेल ने बयान पर हैरानी जताई और कहा कि सुपे बेड़ा को लेकर के उनकी सरकार स्वास्थ्य मंत्री हरिंद्र देव वो 2 तारीख को गए थे जब सुपे बेड़ा में मौत की खबर आई थी और लगातार वो स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, और अगर राज्यपाल जाती है तो उनका स्वागत है, और उन्होंने कहा कि जो हालात है उसकी जानकारी केंद्र सरकार को भी भेजेंगी ऐसी उम्मीद है। तो कुल मिलाकर के भूपेश बघेल ने हैरानी जताते हुए थोड़ा सा संदेश भी देने की कोशिश की कि उनकी सरकार है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सुपे बेड़ा में मौत का सिलसिला क्यों थमने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस यूथ कांग्रेस ने सुपे बेड़ा से दिल्ली तक की पदयात्रा की थी, मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। ये ठीक है, सरकार ने कुछ घोषणाएं की है, बड़ी घोषणाएं की है, लेकिन इससे सुपे बेड़ा को लेकर के जो उसकी जवाबदेही है वो खत्म नहीं हो जाती। रुपेश, जिस तरह से यहाँ पर राज्यपाल ने बयान दिया है, कहा है, उसके क्या मायने निकाले जाए, उसे किस तरह से देखा जाए, क्योंकि एक कहीं ना कहीं वो एक बड़े पद पर बैठे हैं। जाहिर तौर पर संवैधानिक पद होता है राज्यपाल का, लेकिन ऐसा नहीं है कि राजनीतिक पद राज्य संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति प्रदेश की जो स्थिति है उसमें जो संवेदनशील मसले हैं उसको लेकर के सवाल न उठाए या उस पर बात न करे। ये पहले भी होता आया है दूसरे राज्यों में और छत्तीसगढ़ में भी हुआ, चूंकि एक बड़ा सेंसिटिव मसला है इसलिए उन्होंने इस बात को लेकर के बात कही थी कि वो जा सकती है वहाँ पे, और ये भी हो सकता है कि उनको कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हों कि वहाँ पे जाना जो है आप जाएंगी तो शायद सरकार हेलीकॉप्टर ना दे, क्योंकि आसपास जो लोग होते हैं जो अधिकारी होते हैं वो मिस इंटरप्रेट करते हैं अक्सर, तो हो सकता है कि इस तरह की कोई बात कही हो और इसीलिए शायद मुख्यमंत्री ने हैरानी जताई। हालांकि हतप्रभ है वो ये जरूर कहा, लेकिन क्यों हतप्रभ है ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन इसी बात को लेकर के जो आगे की उनकी लाइन थी कि हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा तो कार से जाऊंगी, यानी कि ऐसी कोई बात शायद सीएम या शासन के संज्ञान में नहीं आई है, शासन ने मना नहीं किया है, उसके बावजूद अगर राज्यपाल ऐसा बयान देती है तो हैरानी होनी लाजमी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश इस जानकारी को साझा करने के लिए। और जैसे